मैं यहाँ डैनियल क्रीक के कैंपेन शूट के लिए आया हूँ। जम्मू मैं पहली बार आया हूँ। हम लोग देश भर घूमते हैं पर जम्मू ज़्यादा आना नहीं होता, पर आया भी बहुत गलत टाइम पे हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडी है और हम मुंबई वालों को इतनी ठंडी की आदत नहीं है। मैं देख रहा हूँ आप सब लोग ऑलरेडी जैकेट्स में हो और मैं ऐसे काँप रहा हूँ, पर इट्स अ लवली सिटी, बहुत प्यारा शहर है आप लोगों का। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है तो खुला आसमान बहुत दिखता है। मैं बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आपको शॉकिंग लगेगा पर हम मुंबई वालों के लिए यही है कि स्काई स्क्रेपर्स नहीं दिखते यहाँ, प्रदूषण बहुत कम है, फॉग बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस है। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पुरानी हिंदी फिल्म देख रहा हूँ जिसमें धुंध है, जिसमें ठंडी है, जिसमें छोटी छोटी इमारतें हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल सिटी एंड द मोर देन दैट द पीपल ऑफ जम्मू आर वेरी लविंग। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। कल मैं यहाँ आया, जम्मू का कोई मुझे इतने प्यारे लोग हैं यहाँ पर कि जम्मू का कोई मुझे एयरपोर्ट पे मिला, ही वॉज अ फैन एंड ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस और घर ले गए उन लोग और मुझे रिश्ता रिश्ता और तड़म तड़म कड़म कड़म सॉरी 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 मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो रिश्ता और कड़म खिलाया। तो इतने प्यारे लोग हैं, वो मुझे जानते भी नहीं थे, दे आर जस्ट माई फैंस फ्रॉम बिग बॉस हु टुक मी होम ट्रीटेड मी फॉर डिनर। सो आई लव दिस सिटी एंड इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू बी इन दिस सिटी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई एम वेयरिंग साहिल खुरेशी राइट नाउ एंड हैज बीन स्टाइल्ड बाय मोहित एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। पॉल इज शूटिंग ऑल ऑफ अस, सो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर थोड़ा राजा महाराजा जैसा फील होता है क्योंकि आम जिंदगी में हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एंड द शूट इज मॉडल्स के साथ शूट कर रहा हूं। वेरी यंग वेरी टैलेंटेड दे आर फ्रॉम ग्रूमिंग स्कूल एंड मैं इनमें बहुत ही अपना बचपन देखता हूँ, तो मैं बहुत मजाक कर रहा हूँ इन सब के साथ क्योंकि मैं भी कहीं ऐसा ही था व्हेन आई वन ग्लैड रैक्स। तो बहुत अच्छा लग रहा है द वे दे लुक अप टू मी, दे वे दे ट्राई टू लर्न सिंपल थिंग्स अबाउट मॉडलिंग, सिंपल थिंग अबाउट पोजिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा लगता है जब आप ऐसे बच्चों के साथ काम करते हो और आपको एक्चुअली मुझे इनसे प्रेरणा मिलती है कि दे आर सो हार्ड वर्किंग। बहुत लोग बॉलीवुड, हमारा पॉपुलेशन 150 करोड़ सलमान के, वैसे आज सलमान सर का बर्थडे भी है तो हैप्पी बर्थडे सलमान सर एंड मे यू हैव एन अमेजिंग लाइफ एंड आई एम विशिंग यू फॉर फ्रॉम जम्मू एंड होप ऑल ऑफ जम्मू विशेज यू एंड विशेज वेल फॉर यू ऑन योर बर्थडे। बेसिकली हम सलमान शाहरुख आमिर अक्षय के दिल में बसते हैं एंड यहाँ से जो बच्चे हैं जो फिल्मी में या टेलीविजन में या बिग बॉस में, अभी बहुत सारे लड़के हैं, एक अभी एक लड़का नाम याद नहीं है मुझे, उसने मुझसे कहा कि माई ड्रीम इज़ टू गो इनटू बिग बॉस। तो मैंने कहा यार बिग बॉस इज जस्ट अ शो, आपका ड्रीम और बड़ा बनाइए, बिग बॉस इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, बिग बॉस आपको काम नहीं देता नाम देता है, तो आप अपने ड्रीम्स को बड़ा बनाएं। तो जो जम्मू के बच्चे हैं लाइक इन माय सीजन देयर वाज उमर फ्रॉम जम्मू, उससे पहले असीम वाज देयर फ्रॉम जम्मू, तो जम्मू के जो बच्चे हैं वो ये गांठ बांध ले कि इट्स नॉट एन ईजी जर्नी बिकॉज यू आर नॉट इवन फ्रॉम मुंबई, तो आपके लिए थोड़ा सा और मुश्किल होगा, तो अपनी कमर कस लें, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए और सबसे इंपॉर्टेंट बात हैव पेशेंस। आजकल के बच्चों में मैं देखता हूँ कि पेशेंस की बहुत कमी होती है, दे वॉन्ट एवरीथिंग ऑन एन इंस्टेंट, दे वॉन्ट एवरीथिंग वेरी फास्ट, तो उनके उनमें पेशेंस की बहुत कमी है, तो प्लीज हैव पेशेंस, वर्क हार्ड एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। मैं कोशिश कर रहा हूँ कल वैष्णो देवी जाने की क्योंकि मेरा फ्लाइट आज ही शाम का था, अगर ट्रस्ट मी अगर मेरा फ्लाइट होता आज तो शायद हम ये बाइट भी नहीं कर पाते बिकॉज मेरा फ्लाइट वॉज एट 8 o'clock टूडे जो कैंसिल हो गया है फॉग की वजह से, तो मैं अंदर से थोड़ा डरा हुआ भी हूँ कि क्या मैं, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है, मेरे माई फैमिली इज वेटिंग फॉर मी और जम्मू का फॉग देख के थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि क्या मैं अपने घर वालों के पास पहुँच पाऊंगा, तो कल यहाँ ही हूँ तो आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू विजिट माँ वैष्णो देवी। तो मैं कोशिश करूँगा कल वैष्णो देवी जाऊँ और माँ से प्रार्थना करूँ कि
मैं आपके पास आया हूँ। लेट द न्यू ईयर बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। ये जो कोविड का खतरा फिर से मंडरा रहा है हम सबके सर पे, वो हट जाए, टल जाए। आने वाला वर्ष जो है सबके लिए शुभ हो और मैं मुंबई पहुंच जाऊं, ये भी बोलूंगा। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है अभी तक का। सुबह से हम लगे हुए हैं इस कैंपेन शूट के लिए। वैसे तो ये एक महीने से चल ही रहा है। इसके दौरान बच्चों की ग्रूमिंग हुई है, उनके ब्यूटी और स्किन केयर को लेके उनको बताया गया है, मेकओवर हुआ है प्रॉपर उनका। एंड आज का कैंपेन शूट बहुत अच्छा चला है अभी तक, टिल नाउ बहुत ही अच्छा रहा है। एंड किड्स आर रियली अमेजिंग। वेल, इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स वर न्यू टू दिस मॉडलिंग फील्ड, बट दे आर अ गुड लर्नर। आई थिंक हमारे जम्मू के जितना भी यूथ है अच्छे टैलेंटेड हैं, गुड लर्नर हैं एंड बहुत इजीली चीज़ें सीख जाते हैं। दे आर डूइंग रियली गुड। एक्सपीरियंस तो मेरा एक बहुत अमेजिंग रहा है यहाँ पे। मतलब आई रिमेंबर कि भी कुछ देर पहले आई वॉज द जूरी फॉर दिस ऑडिशन। तो मैंने इनको देखा है फ्रॉम दैट रॉ स्टेज जहाँ से ये सिर्फ अभी ट्राई करे थे फॉर ऑडिशन, एंड नाउ आफ्टर द ऑल द ग्रूमिंग एंड ऑल जो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है बहुत ही रिमार्केबल है। और आई मीन दिस प्लेटफॉर्म इज सो मच मोर देन जस्ट यू नो creating models, we are creating people who are tough and who will be actually taking up this challenge of making it in the industry. Yeah. Well, event हमने campaign shoot का second campaign shoot हमने plan किया था जम्मू में, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने उसको जो है successfully finish कर दिया। तो इस event में हमारे again new faces जो थे, 18 new faces को हमने choose किया। जम्मू कश्मीर में auditions रखे थे एक महीने पहले, उन पर काम किया, देन उन लोगों ने परफॉर्म किया भी। एंड इस कैंपेन शूट की दो लुक्स थी, एक हमारी एथनिक थी और एक हमारी वेस्टर्न थी। जस्ट इस पूरे इंटायर कैंपेन शूट के जो मेकअप पार्टनर है इस गौतम वाली एकेडमी, गौतम जी ने हमें स्पॉन्सर किया था फॉर द मेकअप। अगर मैं गारमेंट्स की बात करूँ तो नारायण सन्स, ट्राई मी एंड बैंगलोर के हमारे डिजाइनर हैं हैंगर बैंगलोर, और साहिल कुरैशी जी इज़ फ्रॉम हैदराबाद, झांसी साहिल कुरैशी फ्रॉम झांसी। तो इन सब इन लोगों ने हमें अपने गारमेंट स्पॉन्सर किए थे, और हमारा वेन्यू पार्टनर जो है वो ऑरियन ग्रैंड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं पूरे इवेंट की बात करूँ, इवेंट इज पावर्ड बाय मूल खर्श कुमार ज्वेलर, फाइनेस्ट ज्वेलर, वन ऑफ द फाइनेस्ट ज्वेलर इन जे एंड के और ब्यूटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे जो को पावर्ड हैं दैट वॉज डॉक्टर पल्की शर्मा, हेल्थ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, वो भी हमारे स्पॉन्सर थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रताप बिस्क्लोज है, फेडली मोटर्स, इन सब लोगों का स्टेशन रहा है। हमारे फिटनेस पार्टनर जो है वो सोल फिट है, तो इन सब लोगों का हमारा जो है पार्टिसिपेशन रहा, इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। तो हमारा जी जो आज का हमारा इवेंट रहा है लाइक जर्नी क्रिकी साथ हम लोगों का, इसमें जितना भी मेकअप है देवर 16x2 32 हमने इनको लुक्स दिए हैं बच्चों को, एंड इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात जो है मेरे साथ, लाइक मैंने तो मिस्टर विशाल का मेकअप किया है, मिस्टर विशाल एंड ही केम फ्रॉम द नो द टीवी इंडस्ट्री, एंड जितना जो बाकी जो कंटेस्टेंट्स थे उनका जो मेकअप किया है जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो सब मेरे स्टूडेंट्स ने किया है। एंड मेरे लिए इज रियली वेरी ग्रेट थिंग कि जिन बच्चों को मैंने, जो मेरे पास एकदम फ्रेशर आए थे, जिनको ब्रश तक पकड़ना नहीं आता था, और फाइनली जब किसी कैंपेन में आके वो काम करते हैं, जब उनको काम करते देखो, इट्स रियली फील्स प्राउड एक्चुअली। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जर्नी क्री ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे हमारे बच्चे, जो हम जम्मू के जो छोटे बच्चे हैं, जो यहाँ के अपकमिंग स्टार्स हैं, उनको एक्सपोजर मिल रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और कुछ ऐसा करने का मौका मिल रहा है जो एक्चुअली हम डेली रूटीन में नहीं करते हैं। दैट्स अ बिग थिंग। आई एम सो हाईली थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु बिलोंग्स टू दिस इवेंट, टू बी कनेक्टेड हैं, ऑल द स्पॉन्सर्स, ऑल द एसोसिएट, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबडी फॉर गिविंग द न्यू प्लेटफॉर्म टू द पीपल टू शोकेस देयर टैलेंट। थैंक यू। वेल, अगर मैं पूरे दर्नर की कैंपेन शूट की स्टाइलिंग की बात करूँ, तो वन एंड ओनली मोहित कपूर, द इनके एक्सक्लूसिव हमारे स्टाइलिंग मोहित कपूर जी स्पेशल बॉम्बे से आए। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड एंड वेरी गुड फ्रेंड। तो सारी स्टाइलिंग जो है मोहित कपूर जी ने की है, इवन ग्रूमिंग भी करी है इन्होंने, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी ग्रूमिंग भी इन्होंने करी है। मतलब आप क्या कहेंगे इस फ्रेंड? जम्मू में हम सेकंड टाइम आए हैं। हम जब फर्स्ट कैंपेन हुआ था डर्नी क्री का तब भी आए थे, सेकंड टाइम फिर आए हैं। पिछली बार भी 18 से 20 फेसेस हमने सेलेक्ट किए थे, शॉर्टलिस्ट किए थे। इस बार भी 18 फेसेस नए चेहरे हैं, बहुत नई एनर्जी है, फ्रेश वाइब्स है, फ्रेश फेसेस हैं, मतलब डिफरेंट टैलेंट है। और आई थिंक मे द बेस्ट विल विन ऑफ कोर्स एंड दे विल द फेस ऑफ डर्नी क्री। एंड स्टाइलिंग की बात करें तो आज हमने दो लुक से स्टाइल किया है। वी स्टार्टेड विद द वेस्टर्न, देन वी प्रोसीड टू द इंडियन
I am not as a pro in Indian, so I think that was one of my favorite. But I must say that, of course, Western was also good. Western की अगर बात करें तो हमारे Harsh Hangers हैं, जो Bangalore के very renowned designers हैं, उनकी exclusive collection का हमने use किया है. And then we'll jump to the Indian wear. We are using Sahil Qureshi, which is Jhansi based, and we are using Nine and Sons, one of the top brand for the Jammu. And we have already using the jewelry of Mulka Jewelers, and and of course Gautam Bali was there with me all the time. जो भी हमारे reference point थे वो हमने उनसे discuss किए. And definitely being a makeup partner, उन्होंने बहुत अच्छा support किया. जो हमने looks panel ने decide किया था वो look up to the mark है जो हमें चाहिए था. Thanks to you, without your support, because styling is always not possible without makeup. And जम्मू वालों को मैसेज रहेगा यार, पहले तो ठंड से बचो, बहुत ठंड है. ऑल द कमिंग फ्रॉम, बिकॉज़ बॉम्बे का वेदर बहुत गर्म होता है और यहाँ पे बहुत ठंड है एक्चुअली. सो जम्मू वालों को ये मैसेज रहेगा, आप डोनेक्री एक बहुत अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म है जम्मू के ऑडियंस के लिए. आप प्लीज अगर जम्मू से हैं तो देवीशी से कनेक्ट में रहिए, गौतम से कनेक्ट में रहिए. एंड प्लीज इफ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग गुड इन फैशन, आप इनसे कनेक्ट कीजिए, डोनेक्री के ट्रस्ट कीजिए, दे आर द राइट चॉइस फॉर यू. आई मस्ट से दैट. Thank you. Thank you.